पूरे 10 रमजान के बाद मैं उठाऊँ आज दोपहर में। फाद भी आज ऐसा ही उठा है, वरना हम लोग उठता है सर की नमाज़ से पहले या थोड़ा सा पहले उठ जाते हैं, जोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सीन ये है कि आज का रोज़ा हम खोलने वाले हैं इस जगह पे। अब सीन ये है कि रोज़ा खोलने में कोई 20 मिनट बाकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं सामान लेने, बिरयानी वगैरह तो हम लोग लेके रख दी है। हमने सोचा कि आज बाहर होनी चाहिए इफ्तारी, तो हमने ये जगह निकाली है भाई अपने लिए। यहाँ पर हम बिछाएंगे चादर और अपना जो है इफ्तार करेंगे। यहाँ देखें ना कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये, तो यहाँ पर होगी हमारी इफ्तार। तो अभी चलते हैं सामान देखते हैं क्या क्या लेना है। नॉर्मल लेंगे ज़्यादा, 4 बंदे हम, 2 मेरे दोस्त हैं जिनको मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मेरा पड्डा चल रहा है उन लोगों से, और बाकी एक फाद है, फाद से आप मिले। तो चले खाना लेने चलते हैं। देख रहे हैं आप कितना प्यारा व्यू आ रहा है, और ये सिविक वाले किस कदर भगाती हुई जा रहा है। तो चलते हैं अभी फेज 2 कुछ लेने के लिए। नाजरीन आप मौसम चेक कर रहे हैं कितना समेक्सी किस्म का मौसम हो रहा है ये, और मेरी मौसम देखें किस कदर हसीन हो रहा है। और जैसे कि आप लोग लग रहा होगा गाड़ियाँ देख के ये दुबई है, रोड देख के दुबई है, लेकिन ये दुबई नहीं है नाजरीन, ये है कराची। और कराची इतना प्यारा है हमारा, लेकिन हम लोग इसको इतना डिग्रेड कर देते हैं अपनी लोकल जगहें दिखा के। हर जगह होती है लोकल जगहें, लेकिन हमारा कराची बहुत खूबसूरत है। आप लोग आएँ एक बार घूमें फिरें, आप लोगों को भी पता हो गए जगहें, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कराची का 2 दरिया का रोड है ये, और बहुत ही माशाल्लाह शाम के टाइम ऐसा हो जाता है कि दुबई से कम नहीं है। मिल गया मार्ट पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ से हम पानी वानी पकड़ लेते हैं और फिर चलते हैं वहीं। हाय 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 लग गई, ड्रिंक्स वगैरह ले लिए, पानी भी ले लिया। 15 मिनट हम लोगों ने अपना इफ्तारी का जो है सामान ले लिया, बाकी बिरयानी हम लोगों ने पहले ही ले ली थी। तो अब चलते हैं और फिर वहीं मिलते हैं आपसे। चलो भाई अपने स्पॉट पे आ चुके हैं हम लोग दोबारा से। इसको बंद करेंगे, चलने आ रहे हैं। और 54 रुपये जो है रोज़ा इफ्तार होगा, और अभी हम लोग बैठ चुके हैं इफ्तारी के लिए। भाई इफ्तार करते हैं हम उसी से, उसके बाद आपको मिलते हैं जिम के टाइम। अल्लाह हाफिज़। फ्रेश वगैरह हो गए हम लोग, आ गए थे जिम। आज का जो इफ्तार था बहुत ही हम लोगों ने मज़ेदार किया, और बाहर मैं क्या है बिल्कुल समंदर के सामने मालदीव बना दिया था हमने, और बहुत ही मज़ा आया। घर आए सबसे पहले हम लोग, नहाए वहाए कपड़े चेंज किए, इसके बाद फ़ौरन आए हम लोग जिम, क्योंकि जिम बहुत ज़रूरी है। जो 1 साल में बाया वाया बनाना है, और थोड़ी सेटिंग वेटिंग करनी है सब भी। और तो भाई अभी देखें बहुत आउट है, रमज़ान तक एक प्रॉपर व्लॉग करते हैं। आज जब मालदीव से वापस आए तो वहाँ पे लोग छत उतार के लेटे हुए थे, उबैद भाई का हड्डू हुआ, उनका इतना बड़ा बड़ा सीना बाहर आ रहा था। तो आज उबैद ने कहा आज मैं सिर्फ और सिर्फ चेस मारूंगा और कल जाऊंगा शर्ट पे, शर्ट के बगैर मालदीव से। ये 1001 1002 1003। सीन ये है कि आज तो मैं बड़ा थक चुका हूँ, क्योंकि हमें सुबह से बाहर है। मैं रमजानों में पहली बार उठाऊँ जल्दी, वरना मैं उठता हूँ असर के टाइम। आज मैं उठा था कोई 2:30 बजे उठ गया था, इसके फाद आ गया था मेरे घर पे। तो आज जो है जिसम बहुत थका हुआ हो रहा है, और जिम किया नहीं जा रहा है, और ये ज़बरदस्ती मुझसे करवाया जा रहा है। डेली व्लॉगिंग डेली करनी है। अब भले व्यूज़ आए ना आए, पूरे 1 साल तक व्लॉग बनाऊंगा मैं, भले लोग 10 देखें, 5 देखें, या 100 देखें, या 200 देखें, या 1000 देखें, व्लॉग में पूरे 1 साल तक बनाऊँगा। भले सब्सक्राइबर बढ़े ना बोले, कोई कुछ भी बोले, हम व्लॉग बनाएंगे। ओके ओके। और आ गया है नाजरीन गुस्सा, और ये देखें ये एक्सरसाइज करता है ये फैन। जब चल रहा है अभी तक हमारा जिम जो है ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी भी 15 मिनट बाकी हैं, 2 एक्सरसाइज रह गई हैं, उसके बाद करते हैं हम ब्लॉग को एंड नीचे जाके।
आ जाओ भाई आ जाओ यार, इसकी मिरर सेल्फियां खत्म नहीं हो रही, मैं क्या करूं। तो राटे काट रही हो, एक्सरसाइज में ध्यान ही नहीं होता और मिरर सेल्फियों में इसकी स्नैप खत्म नहीं होती भाई, इतना बेकाबू क्यों है वो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। भाई इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन में दबा दें ताकि आपको डेली व्लॉग मिल जाए। और इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह। के लेटने का मजा ही अलग है, अफ्तारी के बाद ऐसी सुस्ती आती है ना, यहाँ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है ना, पहले नमाज पढ़ते थे उसके बाद लेटता हूँ, लेकिन उफ खत्म।